सो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? तो बहुत बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं केपी ब्लॉग। और आज जा रहे हैं हम डस्ट भर पे। तो अभी डीजल डाल रहे हैं, अभी डीजल डाला, मतलब के गांव में तो ऐसे ही मिलता है तो वैसे डाला जाता है डीजल। तो अभी डस्ट भरने जा रहे हैं, घर माने गाँव तो उधर जाते हैं। तो आपको मिलते हैं आज वीडियो में, और आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बाय बाय। तो गाइस, तो हम आ चुके हैं डीजल भरवा कर, और ये फूफा जी जो कि वो आवाज़ नहीं आ रही इस डीजे में, तो अब सही कर रहे हैं, तो उन्होंने सही कर लिया। डिंगने वाले हैं और हम सोमू हैं, और मैं और फिर बात भी है, और वहाँ पे हमको मेला देखने को मिलेगा, तो मेला भी देखेंगे। उधर डस्ट भर के लाएंगे, तो उधर से मेला देखेंगे। बुआ बुआ के घर पर रुकेंगे, थोड़ी देर शाम तक आएंगे चक से, और वो अभी चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे क्रेशर मशीन पे, जो डस्ट लेना है यहाँ पे। तो मशीन दिखा सकते हैं, मशीन दिखा सकते हैं कौन कौन सी मशीन है यहाँ पे। ये क्रेशर है और ये मशीन है, पीछे से बताता हूँ। ये देख सकते हो मशीन, ये क्रेशर है, ये मशीन हैगी, और ये मशीन वो हैगी, वो रही है मशीन वहाँ पे। मशीन ही मशीन है सारी यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ और भी बताता हूँ उधर से। तो आप फिर तो गाइस, तो हमने पर्ची कटवा ली है, ये पर्ची कट गई है 1700 रुपये की, ये 1700 में भर जाएगी पर्ची। तो पर्ची है, नहीं बताता हूँ इसमें दिख रहा होगा अभी, देख सकते हैं। ये रहा 1700 दिख गया ना, इधर से देख के इधर जा रहे हैं हम। ट्रैक्टर घूम के आ रहा है पीछे से, चलिए वहीं पर चलते हैं अभी। ये ट्रैक्टर जा रहा है वहीं पर, और इधर कीचड़ वगैरह हो रही है। ये मशीन देख सकते कितनी बड़ी बड़ी है, ये उधर मशीन, और ये उधर पानी वगैरह भर रहा है। अभी तो हमको बहुत काम है इधर, अभी तो उधर नहाना है जाके। तो देखिए क्या ही बहुत बोलूँ, क्रेशर है, क्रेशर मशीन है, चलते हैं भाई अभी। तो गाइस, हम मशीनों के पास में तो आ चुके हैं, आपको बता रहा हूँ ये कैसे जा रहे हैं पत्थर वगैरह, ये काम कर रहे हैं मजदूर लोग। तो आगे चलते हैं, हम वीडियो बताते हैं आपको कुछ कुछ क्या क्या है यहाँ पे। उधर भी और क्रेशर है, और इधर भी है, वो देख सकते हैं कितनी कितना सब कुछ है। ये पत्थर निकल रहे हैं, रेत निकल रही है यहाँ से, ये पट्टे पर से जा रही होगी। ये मशीन भर रही है, कितने खोचों में भर देगी पता ही नहीं है अभी तो। भर रही है अभी तो मशीन, और कितने अभी तो पहला ही हुआ है, अभी ये दूसरा आ चुका है, देखते हैं दूसरे में भर जाएगा क्या। इधर से हमारी आंखों में रेता घुस रही थी, उधर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा इधर से बनाऊं वीडियो। ये देखिए ये कैसे ही जा रही है, वहां पे जेसीबी रखी है, ये इधर एक गिर रहा है, डिटेक्टर आ चुका है हमारा, ये बिना छुपाई कर रहा है। वो मशीन भरेगी, वो आ रही है जो ट्रॉली को, अभी भर जाएगी, थोड़ी टाइम लगेगा बस, फिर चले जाएंगे घर पे। देख सकते हैं तीन पोचे में भर चुकी है, ये तीन में भर चुकी
मतलब 250 में, और एक तो अभी आधा डाला था तो आप देख सकते हो डाल दिया, वो लेवल कर रहे हैं उसको, कहीं ज़्यादा ना चली जाए। वो एक आदमी भाई साहब आया अभी लेवल करने के लिए। गाइस तो हमारी वो ट्रॉली भर चुकी है और इधर से रेता उड़ उड़ के आ रही है और ये मशीन जा रही है, देख सकते हो आप। आंखों में धूल घुस रही है इसलिए एक आँख बंद कर रहा हूँ। और ट्रैक्टर तो निकल गए आगे, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं सोमपुर में। आंखों में रेता घुस रही है, हम तो फिर ठीक चाह रही है सोमपुर। हम दोनों मोड़ों दुखा दुखा के जा रहे हैं चेहरा, तो चलते हैं अभी वापस ट्रैक्टर पे। तो गाइस तो हमने ट्रॉली तो भर ली है और हम जा रहे हैं, और प्लानिंग यही कि अब फोटो खींचने लगे जेसीबी के सामने, देख सकते हो दो जेसीबी है, दो फिर बात है फोटो खींचने लगे बस और कुछ नहीं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे फिर जाएंगे अपने तालाब में, आपको वहीं पर बताएंगे अब तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं है। अब जाएंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ना बहुत रोड ख़राब है, तो बहुत परेशानी आती है। टच 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 एक दो बार तो ट्रैक्टर मैंने भी चलाया था, सोचा आप अब तो आपको वहीं पे मिलते हैं इसलिए। तो गाइस तो यहाँ पे आवाज़ चल रही थी इस जगह पर, तो आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी, तो मुझे पता नहीं था कि आवाज़ सही नहीं जा रही, तो माफ़ करना। तो आप वीडियो देखते रहें, बस इतना ही कहना है। हम पता नहीं कैसे तालाब बहुत ही वैसे ना आ रही है, यहाँ पे नीचे नीचे वो पत्थर निकल रही है, पत्थर यहाँ पे तो कूदने में मज़ा नहीं आता, मैंने सोचा मैं नहीं नहा रही, यही नहा रहे यहाँ पर मजा। मत रुको ना भाई, नहीं रुक रहा मैं नहा रहा, मैं नहा रहा ना, कितने नहा होते, मैं सोच तालाब में नहाऊंगा यार, तालाब में तो नहीं रही। हेलो हेलो हेलो, देख सकते हो अभी ये नहालेंगे तो हम चले जाएंगे, तो इनको नहा लेने तो फिर वेट करते हैं थोड़ा, तब तक हम कुछ कर लेते हैं, तो आपको मिलते हैं वीडियो। तो गाइस तो हम ना उस दिन ना मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए बहुत टाइम मतलब ये बहुत दिनों में वीडियो डल रही है, ये वीडियो मैं डालूंगा ये। तो क्या हुआ था मतलब मेला भर रहा था ना, मैंने आपको बताया था कि मेला है यहाँ पे, तो मैं मेला भी दिखाना चाहता था कि मेला दिखाऊँगा इस वीडियो में कुछ पार्ट। तो क्या हुआ मेरा मोबाइल वहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, तो मैंने बुआ घर पर चार्ज लगा दिया, तो पर 5 तो बज ही रहे थे, तो हम एक डेढ़ घंटा मेले में ही हो गया था, तो वहाँ से क्या हुआ एक डेढ़ घंटे मेले में हुआ तो बच गए 6, तो हमको घर भी आना था, तो हम घर तो 8 बजे पहुँचे, तो मैंने इसलिए वीडियो ख़त्म नहीं कर पाई। तो अब वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो रात को 8-9 बजे तो लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे गांव में बहुत दिनों से लाइट भी नहीं आ रही थी, तो आज लाइट आई है मतलब कल रात को। तो मैं पता नहीं परेशान सा हूँ थोड़ा बहुत, मन सा नहीं लग रहा वीडियो बनाने में, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो कुछ भी ऐसा ही मैंने सोचा फिर बना लूँ मतलब वीडियो, तो मैं आज उस वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि यार नहीं बहुत दिनों से क्यों नहीं बना रहा वीडियो, आज मतलब कितने दिन हो गए होंगे, शायद से 5 दिन हो गए होंगे उस वीडियो को बनाए मतलब बनाई है, पर एडिटिंग भी नहीं की, और अभी तो उसमें लास्ट वाला पार्ट ख़त्म भी नहीं किया, लास्ट वाला पार्ट भी नहीं डाला। तो बस क्या रेता लाने के बाद तो मेले में आए, मेले में से फिर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो ऐसा ही सब कुछ था, तो इसलिए मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो गाइस तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और शेयर तो भले ही ना करें, कमेंट लाइक कर दें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, क्योंकि अब मैं वीडियो लगातार बनाऊंगा, क्योंकि अब रुकूंगा नहीं मैं वीडियो बनाने से। तो बाय बाय।